हैदराबाद रियासत के सभी हिंदुओं को खत्म करने की धमकी देते हुए एमआईएम के अध्यक्ष कासिम रिजवी ने कहा था, अगर भारत हैदराबाद रियासत पर आक्रमण करता है तो उन्हें 1,50,00,000 हिंदुओं की हड्डियां और राख के सिवाय कुछ नहीं मिले। कासिम रिजवी अक्सर कहता था, हैदराबाद में हम मुसलमान भले ही कम हैं, लेकिन हमारे निजाम ने यहाँ 200 साल राज किया है। इसका एक ही मतलब है कि हम मुसलमान सिर्फ राज करने के लिए ही बने हैं, और देखना एक दिन ऐसा भी आएगा जब मुसलमान इस पूरे देश पर राज करेंगे। 10 जून 1948 को कासिम रिजवी ने कहा, हम मुसलमान महमूद गजनवी और बाबर की औलादे हैं, हम लाल किले पर आसफ जाही झंडा लहराएंगे। निजाम और एमआईएम की लगातार बढ़ती भारत विरोधी गतिविधियों के कारण भारत द्वारा ऑपरेशन पोलो चलाकर 18 सितंबर 1948 को हैदराबाद रियासत का भारत में विलय कर लिया गया।